नमस्कार, किस्मत कलेक्शन के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी में कई बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ अड़चनें आ रही हैं। उन अड़चनों को कैसे आप अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा प्यारा बना सकते हैं, तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ आपकी समस्याओं का समाधान। आज हम शुरू करते हैं कार्यक्रम किस्मत कलेक्शन। तो किस्मत कनेक्शन के इस सफर में हमारे साथ हैं रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू रंजना जी। एक तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, जी हाँ, तो नवरात्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवी के स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, आज कौन से देवी के स्वरूप की पूजा है और उसमें उनकी क्या स्पेशलिटी है? आज जो हम देवी की पूजा कर रहे हैं, ये माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। इनको सकंद माता कहा जाता है और इनको सकंद कुमार और या कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिकंद कुमार है, ये जब देवासुर का युद्ध हुआ था तो उसमें ये सेनापति बने थे, इसीलिए इनको शक्तिधर भी कहा जाता है। क्योंकि भगवान सकंद माता भी हैं, इसीलिए इनको दुर्गा जी का स्वरूप मिला है और इनको सकंद माता कहा जाता है। इस दिन जो साधक है उसका मन विशुद्धि चक्र में होता है। इनको पीला रंग बहुत प्रिय है और इनको जो है, इनकी चार भुजाएं होती हैं। इनकी एक जो भुजा है उसमें सिकंद कुमार है, राइट हैंड जो भुजा होती है दाहिने हाथ की, और जो बाएं हाथ की भुजा होती है उसमें आशीर्वाद का चिन्ह बना होता है इस तरह, और नीचे जो जो भुजाएं होती हैं उनमें कमल का फूल होता है। तो हम देखते हैं कि जो सकंद माता है, ये पद्मासन पे भी, जो पद्म कमल के फूल है उस पे भी विराजमान होती हैं, इसलिए इनको पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनकी जो पूजा अगर हम उपासना करेंगे तो हमको कार्तिकेय भगवान की पूजा का भी आशीर्वाद मिल जाता है। इनको अगर हम केले का फल या केले के जो फल है इसका अगर हम इनको भोग आज लगाएंगे तो हमारे को स्वास्थ्य में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकी उपासना से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, हमें रोग और शोक से हम बिल्कुल जो भी है इनका नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इनकी पूजा करने से हमारे को डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये बातें बताने के लिए। पुष्पा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। पुष्पा जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी। हाँ, अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए। जी दो कुछ ने दो। हाँ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। पहला सवाल है, लड़का जी मेरा। नहीं, अपनी जन्म की तारीख, लड़के की जन्म की तारीख बताइए। 20 दिसंबर। हाँ, 83। 20 दिसंबर 83। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए पुष्पा जी, प्रश्न पूछिए अपना। आपको आवाज मिल रही है पुष्पा जी? हाँ जी, हाँ जी। प्रश्न पूछिए अपना। मेरा लड़का ही बीमार है ना, आंखों की खराब रह रही है। उसकी हेल्थ खराब रहती है। पुष्पा जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप डेफिनेटली जो आपका बेटा है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। उसको बोलिए कि वो ओम नमो शिवाय का पाठ कीजिए। उस पर कोई ना कोई तरह का डिप्रेशन बैठा हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है जो उसके मन को लग गई है, जिसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता है, इसीलिए उसको जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। उसका थोड़ा मन ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसको कहिए ओम नमो शिवाय का पाठ करे, हर सोमवार वाले दिन मंदिर जाके शिव जी पे जल चढ़ाए। डेफिनेटली आप देखेंगे महीने के अंदर अंदर इसकी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी। चलिए पुष्पा जी, उम्मीद करेंगे कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और जो ये उपाय बताए गए हैं आपको, इन उपायों को जरूर करिए, इनसे जरूर आपको फायदा मिलेगा। हम नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे रंजना जी, एक नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होगा? एक नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इन्हें डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा होने वाला है आज। जो लोग भी जो नया काम करने जा रहे हैं या जो नई चीज़ बहुत दिन से सोच रहे हैं उसमें इनको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो आज का दिन एक नंबर वालों के लिए बहुत सही रहेगा। उनका जो रंग है वो है पीला और उनका जो अंक है वो है नंबर 3। चलिए, नंबर 3 है। 2 नंबर वालों के लिए क्या होगा दिन आज?
दो नंबर वालों के लिए हम देखते हैं काफी दिन से ये कोई काम बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं, उसमें इनको सफलता नहीं मिल रही है, मगर भगवान का इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहेगा, इसलिए अपना मनोबल ना जाने दें और डेफिनेटली आज एक बारी फिर जोर से ट्राई करें, बहुत मेहनत से ट्राई करें, उनको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। उनका जो रंग है वो है आज का लाल और उनका जो अंक है वो है नंबर एक। चलिए, लाल है और नंबर एक, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स आपने किए होंगे, हो सकता है उसमें आपको वो सक्सेस नहीं मिली होगी, लेकिन आज जैसा रंजना जी ने कहा, आज आपको कोशिश जो है उसमें थोड़ी शक्ति और लगानी है, थोड़ी ताकत और लगानी है, और आज बहुत मुमकिन है कि आपके वो प्रयास सफलीभूत हो जाए, सफल हो जाए। हम नंबर तीन की तरफ बढ़ जाते हैं, नंबर तीन वालों के लिए रंजना जी आज दिन कैसा होगा? नंबर तीन वालों के लिए भी हम देखते हैं बहुत अच्छा कार्ड है, भगवान का इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद हो रहा है। डेफिनेटली अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं या कहीं ऐसी कोई बात चल रही है जिसमें कि कोई डिसीजन लेनी है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो और कोई बात हो, तो डेफिनेटली जो भी डिसीजन है आज उनके फेवर में जाने वाली है। तो आज का दिन जो है नंबर तीन वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उनका जो रंग है आज का वो है सफेद और उनका जो अंक है वो है नंबर दो। चलिए संध्या जी हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई है फोन लाइन पे। संध्या जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, मेरे को मैंने ना 5-6 दिन पहले भी फोन किया था, तो मैंने डेट मतलब तारीख नहीं बता पाई थी, इतने फोन कट गया था। हाँ। तो मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। हाँ, उनकी जन्म की तारीख बताइए। हाँ जी 17 जून 1982। ठीक है, सवाल पूछिए। टाइम, हाँ जी दिल्ली का जन्म है। हाँ। और टाइम है रात को 9 या 9:30 के आसपास है। ठीक है। हाँ जी मुझे ये पूछना, एक तो उसकी नौकरी ठीक नहीं चलती है, वो ट्रांसपोर्ट में है। अच्छा। और दूसरा उसकी शादी का योग कब तक है, क्योंकि 8 साल एक लड़की के साथ रह चुका है, क्रिश्चियन लड़की थी, वो छोड़ के जा चुकी है। okay. आज किसी गढ़वाला लड़की के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर रहा है। और दूसरा उस पर ट्रेस, मैंने पहले भी पूछा था मैडम से, ट्रेस पासिंग का केस भी चल रहा है हमारे मकान को लेके, तो ये मकान हमारे पास आ जाएगा, और क्यों क्या पितर दोष है या क्या है, कोई उपाय बताइए कि सही रास्ते पे चले, नौकरी वोकरी सब ठीक चले मेरे भाई की। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं संध्या जी आपके भाई की जो है काम जो है वो अच्छा चलेगा, तो उसमें हम देखते हैं उनका काम आगे अच्छा चलेगा, वो कोई अगर बिजनेस करना चाहे वो भी कर सकते हैं, उसमें इनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और जहाँ पे ये लड़की का सवाल देख रहे हैं आप, लड़की अच्छी है, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रही, लड़की को आगे अगर ये संबंध आगे बनाएंगे उनके लिए बेहतर रहेगा। और पितृदोष वगैरह ऐसे हमको नहीं दिखाई दे रहा, मगर मन में ये है कि आप रोज़ तुलसी के पेड़ को जल दीजिए, जितने भी चींटी चिड़ियाँ हैं इनको बाजरा और चीनी का दान करना शुरू कीजिए, और किसी भी धर्म स्थल पर आप आम या पीपल या नीम के पेड़ लगवा दीजिए, आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर अंदर धीरे धीरे इनके सारे कार्य धीरे धीरे होने लग जाएंगे। संध्या जी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो कर रहा है वो गलत है, कई बार उसकी जगह पे अपने आप को रखकर भी सोचना पड़ता है और उसके नज़रिए से भी ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कभी कभी सामने वाले का भी प्रोस्पेक्टिव, उसका जो नज़रिया है वो भी सही हो, तो ऐसे हम हमेशा डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए हमें। एक बार कोशिश करिए, लड़की से मिलिए, हो सकता है वो अच्छी हो और आपके परिवार में वो घुल मिल जाए। नंबर चार की तरफ हम रंजना जी बढ़ेंगे, चार नंबर वालों के लिए दिन कैसा होने वाला? नंबर चार वालों के लिए हम देखते हैं कि इनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बिना वजह परेशान हैं। धीरे धीरे आप आराम से बैठिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, एंड डेफिनेटली आप देखेंगे 2 बजे के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी एंड आप डेफिनेटली जो भी है एक सही रास्ता अपना सकेंगे और जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उस पर आप अग्रसर हो सकते हैं। आज का जो आपका रंग है वो है लाइट ब्लू एंड आपका जो अंक है वो है नंबर 8। चलिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोपहर 2 बजे के बाद से जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हम कहते हैं वो बहुत हद तक आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे थे, जिसमें कंफ्यूज थे, जो ऐसा लग रहा था कि आप हॉच पॉच आपके दिमाग में चल रहा है, कंफ्यूजन स्टेट में, वो 2 बजे के बाद ऐसा क्या होगा? 2 बजे के बाद ये कि सुबह के टाइम हम जैसे इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए। अच्छा। तो क्या हो जाता है कि वो वाइब्रेशंस के साथ जो हमारे अंदर की सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, एनर्जी आएगी, तो अपने आप क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी इनके माइंड में और इनके इनको राइट डिसीजन लेने की क्षमता आ जाएगी इनमें। चलिए, तो आज आपको आपके लिए टिप यही है कि आप थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा आप अपने आप से बात करिए और इंट्रोस्पेक्ट करने की भी जरूरत है। जब आप मेडिटेशन की बात करते हैं तो कई बार इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होती है, अपने आप से भी बात करें कई बार अच्छा होता है वो। 5 नंबर वालों की तरफ हम पढ़ते हैं, उनके लिए दिन कैसा होने वाला है रंजना जी?
पांच नंबर वालों के लिए दिखाई दे रहा है, इनको कहीं ना कहीं कोई किसी से हेल्प मिलने वाली है एंड डेफिनेटली इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते हैं कि किसी की सजेशन से वो प्रॉब्लम्स इनके ठीक होने वाली हैं। मेन प्रॉब्लम खाली यही है कि इनको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। थोड़ी सी प्लानिंग जब ये करेंगे, हर चीज़ को ध्यान से सोच समझ के करेंगे, तो वो भी हम देखते हैं इनका कार्य एकदम आगे ठीक होने वाला है। इनमें मनोबल भी है, इनमें क्षमता भी है, खाली थोड़ी सी इनको पुश की ज़रूरत है एंड वो आज इनको डेफिनेटली मिलेगी। इनका जो आज का रंग है वो है फिरोजी और इनका जो अंक है वो है नंबर 6। चलिए, तो आज आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी और अगर प्लानिंग करते हैं और किसी की हेल्प मिलती है तो हेल्प को मना मत करिएगा। आज आज आपके लिए एक टिप यही है कि कोई आपके घर में बड़े बुजुर्ग, ऑफिस वर्क प्लेस में कोई सीनियर आपकी मदद कर सकता है, उस मदद को स्वीकार जरूर करिएगा। मनप्रीत है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। मनप्रीत जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मनप्रीत जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम मनप्रीत है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1988। ओके, सवाल पूछिए। सर मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है, जैसे मैंने पढ़ाई भी काफी की है, मुझे ना जॉब मिली ना कुछ, अभी शादी के बारे में क्या जोक है। ओके, सबसे पहले आपकी जॉब का देखते हैं मनप्रीत जी। आपकी जॉब हम देखते हैं कि थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, जॉब मिलने में थोड़ा सा समय मिल सकता है। आप एक बारी थोड़ा सा माइंड में भी आपके कंफ्यूजन चल रही है, आपकी दिसंबर तक जॉब लगने का पूरा चांस हो रहा है। एंड रिगार्डिंग योर शादी, हम देखते हैं कि बहुत जल्दी आप किसी को मिलने वाले हैं, कोई फंक्शन में या कहीं पे आपको एक अच्छा रिश्ता आने वाला है जो कि बहुत बेहतर रहेगा। और आपकी शादी हम देखते हैं फरवरी तक डेफिनेटली फाइनलाइज हो जाएगी। इस भीतर आप 2 बेसन के लड्डू मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपके दोनों कार्य हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत मुश्किल नहीं है, जो उपाय बताए हैं रंजना जी ने वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। 2 बेसन के लड्डू आपको मंदिर में चढ़ाने हैं और आपको बहुत जल्दी आपकी समस्याओं से जो है वो छुटकारा मिलता नजर आएगा। ज्योति है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। ज्योति जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/10/1991। हाँ जी बताइए। जी मैडम, मेरा सवाल ये कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है, तो मैं एक पूरे साथी फ्रेंड में शादी हो जाएगी नहीं होगी और कब तक होगी। हाँ जी, हम देख रहे हैं आपके जैसे जैसे कार्ड निकल रहे हैं इसमें रिश्ते की जो बात चल रही है वो उसमें थोड़ा सा विलंब जरूर हमें दिखाई दे रहा है, मगर डेफिनेटली ये बात हो जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हर सोमवार 11 सोमवार आप शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए और देखिएगा आप जैसे ही ये खत्म होते रहेंगे आपकी ये बात जरूर वहाँ पर हो जाएगी। चलिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करने की जरूरत है, भगवान को भी कई बार मनाना पड़ता है। जसवीर कौर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। जसवीर जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/9/1991। हाँ जी, हाँ जी बताइए। 10/9/1991। हाँ जी ठीक है, सवाल पूछिए। मेरे मैरिज बारे पूछना है, कदों तक है। हाँ जी ठीक है, शादी के बारे में जानना चाहती है। जसबीर जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं एंड बहुत ही अच्छा लड़का आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपका भगवान का पूरा आशीर्वाद है आपके पास एंड आप जहाँ पे भी अब नया रिश्ता जहाँ पे भी बात शुरू होने वाली है वो आप डेफिनेटली वहाँ पे आपकी बात पक्की हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अवतार सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। अवतार जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अवतार जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। अवतार जी आप पहले तो टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फोन पर बात करिए। 1983। पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 फरवरी 1983। ठीक है ठीक है, प्रश्न पूछिए। 20 फरवरी जी। हाँ जी बताइए, प्रश्न पूछिए, अपना सवाल पूछिए। 20 फरवरी 1983 जी। सर वो समझ गए, अपना सवाल पूछिए, फोन पर बात करें, टीवी पे आवाज मत सुनिए। जी प्रश्न ये पूछा, काम का बहुत मंदा चल रहा है, जैसे मैं ठेकेदारी करता हूँ, चिराई का काम करता हूँ। किसका काम करते हैं आप? किस चीज का? मैं चिराई का काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ, जैसे काम का बहुत मंदा, काम नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम देख रहे हैं आपके जैसे काम, जैसे आपके कार्ड निकले अवतार जी, आपको काम बहुत जल्दी मिलना मिलेगा। बट ये है कि काम के लिए आपको घर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, उसमें हम देखते हैं कि आपको काम है अवश्य मिलेगा। आप डेफिनेटली दो रोटी और गुड़ गाय को रोज डालना शुरू कर दीजिए, जितनी गाय की सेवा करेंगे उतना ही आपके कार्य आगे सफल होते चले जाएंगे और हम देखते हैं कि बहुत जल्द और आपको काम भी मिलेगा और बहुत ही अच्छा काम मिलेगा। आप देखिए 15 या 20 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छा आपको ठेकेदारी का काम मिलने वाला है। चलिए तो अच्छा वक्त आने वाला है, गौ सेवा करिए। आज आपके लिए टिप यही है कि गाय जो है उनकी सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, गुड़ और रोटी उनको खिलाइए, आपका काम बन जाएगा। सविता जी है हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पे। सविता जी डेट ऑफ बर्थ? हेलो बोलिए मैम। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्ते मैम, बताइए। हमारे पास ना हमने एक प्लॉट ले रखा है और वो बन नहीं पा रहा और हमारे पास पुराना घर है वो सेल नहीं हो रहा। डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए सविता जी। हाँ जी 10 जनवरी। हाँ जी डेट ऑफ बर्थ बताइए सविता जी। सविता जी टीवी पे आवाज मत सुनिए, फोन पर बात करिए। हेलो फोन पर बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 10 जनवरी। हाँ 1981। ओके ठीक है 10 जनवरी 1981। ठीक है मैम सुन लिया। देखिए सबसे पहले रिगार्डिंग द प्लॉट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो प्लॉट जो है उसके नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देखिए, वहाँ पे आप थोड़ा सा एक गड्ढा खोद दीजिए और वहाँ पे जैसे ही आप गड्ढा खोदेंगे आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो प्लॉट बिकने का या वहाँ पे घर बनाने का आपका पूरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए इस संकल्प के साथ, आज से ही वो शुरू कर दीजिए। नवरात्रों का दिन बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त होता है, आप देखेंगे 45 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आप सुंदरकांड का पाठ करेंगी और नॉर्थ ईस्ट में आप अगर वहां पे गड्ढा खोदेंगी आपके दोनों काम बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। चलिए तो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है आपके उस प्लॉट का वहां एक गड्ढा आपको करना है और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है रंजना जी, हम ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं इसलिए आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर की तरफ हम आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। 6 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होने वाला है? 6 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत अच्छा है। इनका ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लगता है कि ये ट्रैवल करेंगे जहाँ पे वहाँ पे इनका अगर कार्य के लिए जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा और अगर ये प्लेजर के लिए अगर जाएंगे तो वो भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये कोई रिलीजियस पिलग्रमेज पे जाना शुरू करते हैं किसी जगह देवी माँ की आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और 6 नंबर वालों के लिए आज का जो रंग है वो है ग्रीन और आज का जो अंक है वो है नंबर 5। चलिए तो नंबर 5 है आपका दिन और हरा रंग है आपके लिए। और किस तरह की यात्रा, सिर्फ धार्मिक स्थल पर या किसी काम के सिलसिले में भी जा सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, जहाँ पे भी आज ये यात्रा करेंगे या कोई प्लान्स बनाएंगे यात्रा करने के लिए। अच्छा। कि ताकि वहाँ जाके मेरा कोई काम है तो वो सारे ही इनके जो काम है हम देखते हैं आज पूरा होगा। आज का दिन इनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। चलिए आज परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, अब एक कोशिश कर लेते हैं छोटा सा ब्रेक लेने की, जल्द लौटेंगे। हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड रेवाड़ी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज,
स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन ऑपोजिट पटौदी रोड पुलिस चौकी गुड़गांव। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपकी साफ-सफाई क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यू ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। गांव की समस्या, गांव का विकास। 2 साल तक लेना बिजली, इतनी बुरी हालत है गांव की। कोई गरीब आदमी है तो बाकी सुविधा होनी चाहिए काय की। प्लॉट में नपत करवा रहे हैं, मकान न तोड़वा रहे, हम तो बहुत दुखी हैं जी। कैसा रहा सरपंच का कामकाज? 8 साल से बूंद पानी नहीं आया जी, जो वाटर सप्लाई जिसको हम कहते हैं। बाहर पढ़ने जाती हैं जी, कोई बस की सुविधा नहीं है जी। घर घर मीटर भी होने के बावजूद भी लाइट नहीं चल रही। क्या कहता है आपका सरपंच? बड़ा बड़ा आदमी है, अब हम पे चलो नादा ना रास्ता बन रहे, ना कोई सुनाई ना करे। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। आपके हर सवाल का जवाब छोटी सरकार, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। जिसकी पहलवानी के चर्चे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहे हैं, जिसके दंगल में सुल्तान से भी ज्यादा दम। खेल हरियाणा के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी पहलवान मौसम खत्री से। याद होगा गुरुग्राम में आपको 1 करोड़ का इनाम भी इन्हीं ने अपने नाम किया। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही है कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है, इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT. लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं
आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम नंबर्स की तरफ फटाफट बढ़ लेंगे। सात नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा रंजना जी? सात नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छी ओपनिंग्स मिलने वाली है, मगर इनकी कहीं अपनी ही नेगेटिव एटीट्यूड है जिससे कि आगे बढ़कर कुछ करना नहीं चाहते। ये अपने घर में ही बैठ के एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठे हैं अपने काम के लिए, उसको हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव करें, पूरी हिम्मत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। एंड डेफिनेटली इनका जो काम ये करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। घर से दही और चीनी खा के जाइए, आपका काम अवश्य बनेगा। आपका जो रंग है वो है ब्राउन और आपका जो अंक है वो है नंबर 9। चलिए, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती है, खासकर खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आठ नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा रंजना जी? आठ नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कोई सडन चेंजेस इनकी लाइफ में अभी आए हैं पीछे एक महीने के अंदर अंदर, जिससे इनका कॉन्फिडेंस कम है, मगर इनको बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद है। अपना जो भी लॉसेस या जो कुछ भी हुए हैं इनके साथ उनको खत्म कीजिए और आगे बढ़िए और अपने काम को एक्सेप्ट कीजिए और उसको अच्छे से पूरे खुले दिल से आप कीजिए। आपकी कहीं पे भी इमोशनल प्रॉब्लम हुई है उसको भी फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव अहेड विद फुल कॉन्फिडेंस, एंड डेफिनेटली आज का दिन उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आज का जो उनका रंग है वो है ब्राउन और इनका जो अंक है वो है नंबर 7। 9 नंबर वालों के लिए कैसा होगा दिन ये भी बता दीजिए। 9 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं कि इनको आज अपने फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी आशीर्वाद मिलने वाला है। अपनी जो फैमिली है, अपने हस्बैंड है, अपना जो पार्टनर है उससे इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। आज का इनका जो रंग है वो है ब्लैक और इनका जो अंक है वो है नंबर 8। चलिए, तो हमने सारे नंबर वालों को बता दिया कि आज आपका दिन कैसा होने वाला। रंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को खूबसूरत बनाना, बस सकारात्मक सोच रखिए और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सॉल्यूशन पर जरूर सोचिए कि कैसे छोटी छोटी चीजों के जरिए आप इन समस्याओं का कर सकते हैं समाधान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।